आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अनूप कुमार शुक्ला की लिखी झलकी नया अंदाज। चाय और जरा सुनो तो। अब तुम्हारी सुनता रहूंगा तो अपनी प्लानिंग कब करूंगा भाई? प्लानिंग काहे की? अरे भाई मैं बात कर रहा था अपने कामों की प्लानिंग की। अच्छा। वही क्या है कि कल ही तो है अपने राजू का बर्थडे। और सुनो, अम्मा और बाबूजी को चिट्ठी लिख दी थी ना? अरे फुर्सत ही कहाँ मिली मुझे। और उन्हें अपने पोते के जन्मदिन की तारीख पता नहीं है क्या? अजी उन्हें तो अपने आप ही आना चाहिए था। हाँ, सब कुछ उन्हें ही करना चाहिए, पर तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अरे हम उनसे दूर रहते हैं तो क्या? तो ये कि कभी कभार तुम्हारी ओर से भी तो जान पड़े कि तुम्हें भी बच्चे के जन्मदिन पर उसके दादा दादी के आशीर्वाद की तमन्ना है। अरे भाई जब तुम ही नहीं कुछ सोचोगी तो बेचारा बच्चा क्या सीखेगा? जैसे आज ही सब सिखा लोगे। अरे बेकार की बातें छोड़ो और जरा मुझे सोचने दो। भूल तो नहीं गई हूँ मैं अपनी किसी फ्रेंड का नाम? शीला, बस चिंता है तो सिर्फ अपनी सहेलियों की और उनसे मिलने वाले उपहारों की। घर वालों के आशीर्वाद मिले या ना मिले, मुझे न तो सहेलियों की चिंता है और न ही सहेलियों से कोई प्यार व्यार है। अच्छा? अजी हमें तो अपना हिसाब किताब चुकता करना होता है और यही तो मौके होते हैं बस। यानी ये कि सहेलियों से उपहारों के बदले उपहार वसूलने के सिर्फ यही तो मौके होते हैं। ओ आई सी आखिर मैं भी तो देती हूँ सबको की नहीं। मम्मी मम्मी आज रास्ते में मुझे गुप्ता आंटी मिली थी। अच्छा? मैंने बोल दिया आंटी मेरे बर्थडे पर बढ़िया सी प्रेजेंट लाएगा। ठीक किया, पिछले साल की तरह नहीं। किन चूस मक्खी चूस कहेंगी, साल में चार चार बार दे आती उनके घर, मेरे घर एक बार भी ढंग की चीज नहीं देती। ले आई थी फुटपाथ से खरीद कर घटिया सी शर्ट। खूब सिखाओ बच्चे को, खूब ट्रेनिंग दो उसे आंटी लोगों से उपहारों में भीख मांगने की। एक हम लोगों के बचपन में हमारे जन्मदिन पर अपने बचपन की ताने मत छेड़ो। अबे चुप, खड़ा खड़ा खिकी कर रहा है, जा उम्र का। चल जा बेटा जा। अजी ये तो खैर मनाओ कि राजू के दादा दादी हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, वरना इस तरह बर्थडे भी ना मना पाते हो। अच्छा, आज राजू के दादा दादी से बहुत परहेज है और कल नौकरी करने वाली हूँ मैडम, तब अपने मतलब की खातिर उन दोनों को यहाँ रखने का प्लान बना रही हो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गृहस्थी की देखभाल हो सके, है? तब ये बड़े अच्छे हो जाएंगे, क्यों? अरे तब की तब देखेंगे, मतलब की खातिर जैसा बनेगा झेलेंगे उन्हें, लेकिन आज तो झगड़ा मत करो प्लीज, ये सब पुराने की बातें। पुराने जमाने की बातें, खुद तो मॉडर्न बनने के चक्कर में बर्बाद हो ही रही हो, बच्चे को भी। मुझे क्या, तुम ही देखना आज जो कुछ दोगी अपने बच्चे को वही कल पाओगी। ओ, बंद भी करो अपने उपदेश, ये बताओ कि क्या क्या काम हो गए। अरे भाई आपके हुक्म के मुताबिक क्रॉकरी, सजावट, केक, खास लोगों के लिए स्पेशल नाश्ता, रोशनी, रिकॉर्डिंग, सब कुछ हो गया। वेरी गुड। अब भाई तुम अपनी सोचो। हाँ मैंने अपने दफ्तर के अफसरों को विद फैमिली बुलाया है। अरे वो तो बुलाना ही था। हाँ। पर मैंने तो अपनी सिर्फ सहेलियों को बुलाया है, उनके बच्चों और बच्चों के पापाओं को नहीं। क्यों? अरे भाई तुम्हारा वश चले तो ऐसे मौकों पर पूरे कुनबे के साथ पहुँचो। तो क्या गलत है इसमें? अरे हमेशा बढ़िया गिफ्ट ही देती हूँ मैं, फिर अगर एक टाइम पूरे कुनबे के खाने का खर्च बचा लिया तो ऐसा क्या कमाल हो गया भाई। वाह, थैंक यू भाई। कमाल की बात तो ये है कि कितना अच्छा सोचती हो तुम। अच्छा अब ये सोचो कि इस ड्राइंग रूम में सब लोग अट तो जाएंगे ना? वैसे मेरे खास लोग तो घंटे भर पहले ही आएंगे, अब तुम्हारी सहेलियों को? अरे उनकी चिंता तुम मत करो। हाँ। वो लोग कौन बैठने के लिए आएंगी? वो आएंगी सिर्फ खाने के लिए। तो उनके लिए
छोले भटूरे, दही बड़े और गुलाब जामुन का प्लान है। बस वही घिसा पिटा प्लान। ओहो, भला क्या सोचेंगी वो लोग? कुछ नहीं सोचेंगी, कभी कभी हम लोग भी तो बस चाय के साथ पकौड़ी ही खा जाते हैं। याद नहीं पिछली बार रात भर मेरे पेट में दर्द हुआ था? अरे खाती तो जा रही थी एक के बाद एक, धनाधन धनाधन धनाधन। तो क्या भूखी लौट आती इस महंगाई में? जैसे तैसे प्रेजेंट भी तो दे आती हूँ, बदले में खाना ही तो मिलता है, जबकि खल जाता है प्रेजेंट देना। लेकिन तब तो खूब ही करके हंसते हुए कहती हो हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैं ही क्या, सभी तो ऐसा ही करते हैं, किसके मन में होता है असली प्यार व्यार? फिर तो महीने के आखिर में तुम्हारे बच्चे के बर्थडे पर वे लोग भी वैसे ही रो कर खींच कर प्रेजेंट लाएंगे और यहाँ आकर कहेंगी वैसे ही हे करके हैप्पी बर्थडे। बस बस रहने दो, ये तो सब बराबरी के सौदे होते हैं। तो फिर क्यों मनाती हो इस तरह का बर्थडे? अरे भी सच तो ये है कि बच्चे से ज्यादा तुम्हारी इच्छा होती है मॉडर्न दिखने की। तो मॉडर्न दिखना कोई गुनाह है क्या डियर? जी नहीं बिल्कुल नहीं, गुनाह तो उन तौर तरीकों को अपनाने में है जिनमें अपनी सभ्यता अपनी परंपरा की झलक हो। ठीक है तुम काफी हो अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं को निभाने के लिए, मैं तो ऐसे ही भली हाँ। अच्छा आज आपसे मुलाकात हो गई, बहुत ही मजा आया, बहुत ही बहुत अच्छा काम है। राजू बेटे, आंटी लोगों से थैंक यू नहीं कहोगे उन अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स के लिए? थैंक यू आंटी। हाँ बेटा, और तुम्हारा भी थैंक यू, कितना अच्छा खिलाया तुमने, वो नन्हे नन्हे दही बड़े और वो रसेदार छोले, वाह मजा आ गया। चलो ओके। अच्छा राजू बेटे हम लोग चलते हैं। बाय राजू। अच्छा नमस्कार नमस्कार। इस मिसेस वर्मा को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। चलो छोड़ो, लेकिन ये अच्छा हुआ सब कुछ बहुत ठीक से निपट गया। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि तुम्हारे बॉस वगैरह ने खूब डट कर खाया पिया। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे खुशी तो इस बात की हुई कि ऐन मौके पर अम्मा और बाबूजी आ गए। वैसे तुम्हें बताए बगैर चिट्ठी लिख दी थी मैंने उन्हें। क्या कहा? लेकिन वो आए तो अपने आप ही हैं, चिट्ठी तो भी पहुंची भी नहीं होगी। और एक तुम हो कि जाने क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है उनके लिए। अरे भाई उन्हें मेहमानों से मिलवाया भी नहीं। अच्छा अब तुम चुप ही रहोगे कि नहीं? मैं तो चुप। बहुत मजा आता है गड़े मुर्दे उखाड़ने में। एक बात है, तुम्हारी बेचारी सहेलियां खड़ी की खड़ी ही रही। भाई ये बहुत गलत हुआ, उनकी तरफ कोई पंखा उंखा भी नहीं था। ओहो, तो तुम ही पंखा झल देते जाकर। भाई काम काज में तो ऐसा ही होता है, सभी के घर कुछ लोग खास होते हैं जिनके लिए कुछ खास इंतजाम होते हैं। सो तो है। अच्छा छोड़ो। हाँ। राजी बेटे चलो देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट मिले तुम्हें। हाँ हाँ जल्दी चलिए मम्मी। चलो 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 राजू, देखें क्या लाई है आंटी लोग गिफ्ट में। आओ आओ। अरे हाँ याद आया, क्या ये कुछ कैश है मेरे पास? हाँ, और हाँ वो अपने पड़ोस के वर्मा जी है ना। हाँ। उन्होंने परसों रात के खाने की दावत दी है। अरे मम्मी आप लोग बातें छोड़िए, जल्द से प्रेजेंट खोलिए ना। खोलते हैं बेटे खोलते हैं। लेकिन पहुँचना शाम को ही होगा। हे भगवान, फिर आई प्रेजेंट की मुसीबत, होगा उनके बेटे का जन्मदिन? नहीं भाई ऐसा तो कुछ बताया नहीं। तब तो फिर जरूर चलेंगे, अरे मुफ्त का डिनर कहाँ मिलता है। कहीं रिंकू का बर्थडे तो नहीं है? अजी कौन मनाता है आजकल बच्चे की बर्थडे बिना विज्ञापन किए? सो तो आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। आइए ना। क्यों भाई लगता है कुछ छिपाया है आपने? कोई फंक्शन है क्या? अरे आप सब जहाँ इकट्ठी हो जाएंगी वहाँ की महफिल में वैसे ही फंक्शन जैसा माहौल हो जाएगा। हाय नजर ना लगी, रिंकू कितना प्यारा लग रहा है। सफेद कुर्ता धोती, गले में माला और माथे पे तिलक, जैसे किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हो। ओहो समझी रिंकू की बर्थडे है। बर्थडे ये यूँ कहिए कि आज रिंकू की सालगिरह है। सालगिरह? जी रिंकू बेटे आगे बढ़कर सबका आशीर्वाद लो, पांव छुओ। आंटी प्रणाम, अंकल प्रणाम। जीते रहो खुश रहो बेटे, खुश रहो खूब फलो फूलो। अरे ठीक है इस सब की क्या जरूरत है मिसेस वर्मा? भाई खूब उन्नति करो बेटे और अपने परिवार के साथ अपने देश का भी नाम ऊंचा करो। लेकिन वर्मा जी भाई ये कोई बात नहीं।
क्या? बच्चे का जन्मदिन और हम खाली हाथ। खाली हाथ है तो क्या भाई, हृदय से निकली हुई शुभाशीष तो आपने दे दी। हाँ, अपने तो। परिवार में तो अभी तक भगवान की दया से यही परंपरा चल रही है। यानी बच्चे की सालगिरह को एक त्योहार की तरह मनाने की। सुबह घर द्वार पवित्र करके द्वार पर आम्र पत्रों की बंधनवार, घर के भीतर कथा पूजन हवन, फिर बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर मंगल दीप जलाकर तिलक करते हैं। अच्छा? जी, और फिर बच्चा बड़ों का आशीर्वाद लेता है उनके पांव छूकर। बहुत अच्छा। और फिर मेहमानों के साथ हो जाता है। तो क्या रिंकू प्रेजेंट्स नहीं मांगता और उसके दोस्त वगैरह? वो सब तो आएंगे ही, लेकिन उसे प्रेजेंट का लालच नहीं है। शुरू से उसके दादाजी ने उसे सिखाया है, बेटे जन्मदिन पर हमेशा आशीर्वाद की कामना करना, उपहार की नहीं। अरे ये क्या, आपकी प्लेट तो खाली हो रही है, और लीजिए, देखिए अच्छी तरह खा लीजिएगा। हाँ मिसेस शर्मा, ठंडा लीजिए। थैंक यू। और फिर चलिए ढोलक मजीरों के साथ लोक गीतों की महफिल आप सबका इंतजार कर रही है। और सुनो, यहाँ गाने वाले का भी प्रोग्राम है। जी हाँ, रिंकू के दादाजी दादी जी चाचा चाची आज सभी बहुत मौज में हैं। बस आप सबकी कमी थी। अरे भाई आराम से पालथी मारकर बैठ जाइए, संकोच करने की जरूरत नहीं है, और बस शुरू हो जाइए। देखिए आप सभी को गाना होगा। हाँ ये बात है मैडम जी। तो फिर पापा जी पहले आप ही कुछ गाइए ना। अरे नहीं, तुम सब गाओ बेटे, हम सुनेंगे। नहीं दादाजी, पहले आप गाइए ना। भाई रिंकू बेटे की बात तो आज टाल नहीं सकते, तो फिर गाइए हमारे साथ आप लोग। सब लोग गाइए। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, मिलेंगे लड्डू हमको, मिलेंगे लड्डू हमको। चलो भाई अब खा पी लिया, अब क्या यहाँ बैठे हैं? चलो चलते हैं घर। वाकई भाई आज तो मजा आ गया। क्यों मिसेस शर्मा? अरे आप तो लगता है किसी सोच में डूबी हुई हैं। इतनी गुमसुम वहाँ भी रही और अब भी गुमसुम। सच पूछिए तो मन ही मन पछता रही हूँ अपनी बेवकूफी पर। क्या मतलब? यही कि हमेशा मेरे सास ससुर और श्रीमान जी की यही इच्छा रहती थी कि राजू का जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाए, लेकिन मेरी जिद की वजह से राजू भी लालची बन गया। अरे आप ही क्या, हम सभी तो इस भेड़ चाल में शामिल हैं, आज अपने रीत रिवाज तक भूल गए हैं इस मॉडर्न बनने के चक्कर में। आज का अनुभव याद दिला गया कि जन्मदिन पर दीप जलाने की परंपरा है, जलती ज्योत बुझाने की नहीं। और सबके आशीर्वाद लेने की परंपरा है। चलिए इसी बहाने हम कुछ सीखे तो क्यों मिसेस शर्मा? हाँ, और इसी बहाने मेरा घर भी आ गया। ठीक है तो फिर अगले इतवार को मेरे घर। अरे नहीं नहीं, एकाएक क्या हो गया तुम्हें, अभी परसों ही तो अपने राजू का। अरे वो तो बर्थडे मनाया था अंग्रेजी तारीख से, अब श्रीमान जी सालगिरह मनेगी हिंदी तिथि से। ओ। और सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन नो प्रेजेंट्स प्लीज। अब अगले साल ही कीजिएगा नई शुरुआत। अरे नहीं जी, शुभ काम में देर कैसी, क्यों जी? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। चलिए ये बेखूब रही, फिर एक दिन बीतेगा नई ताजगी के साथ। हाँ, लेकिन भूले बिसरे ढोलक गीत भी याद करके आइएगा। अरे वो तो अभी से याद आने लगे। कलियों पे छाई है बहार, बधाई होवे। कलियों पे छाई है बहार, बधाई होवे। पहली बधाई होवे परम पिता को, जिसने रचा है ये संसार, बधाई होवे। जिसने रचा है ये संसार, बधाई होवे। तो ये थी अनूप कुमार शुक्ला की लिखी झलकी नया अंदाज। निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।